हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस आर के ट्यूशन ट्यूटोरियल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 12 व्हिच हैव टेकन फ्रॉम द ग्रेड 1। द चैप्टर नेम इज अ बेबी एलिफेंट्स कंप्लेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे बेबी एलिफेंट्स कंप्लेंट। चैप्टर 12 है जो कि हमने ग्रेड 1 क्लास से लिया है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं, तो जो ग्रेड 1 के बच्चे हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द एलिफेंट नॉट लाइक हिज फीट। जो एलिफेंट था, ठीक है, हाथी था, वो अपनी जो फीट थी उसको पसंद क्यों नहीं करता था। ठीक है, अपने पैरों को पसंद क्यों नहीं करता था। आंसर दोगे आप, द एलिफेंट डज नॉट लाइक हिज फीट बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट साइड टू साइड। वो उसकी जो मूवमेंट्स होती थी उसकी फीट की, वो साइड टू साइड होती थी। एक कदम दूसरी राइट साइड, एक साइड लेफ्ट साइड, इस तरह से उसके जो फुट्स थे उनकी मूवमेंट होती थी, इसलिए वो अपने फीट को पसंद नहीं करता था, जो एलिफेंट था। ठीक है, तो बच्चों से पूछा जाता है, व्हाई डज द एलिफेंट नॉट लाइक हिज फीट। तो आपने बताना है, द एलिफेंट डज नॉट लाइक हिज फीट बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट साइड टू साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड ही लाइक टू डू विद हिज फीट। व्हाट वुड ही लाइक टू डू विद हिज फीट। वो अपनी फीट से क्या करना पसंद करता था। ठीक है, क्या करना पसंद करता है वो। ही वुड लाइक टू ईट विद हिज फीट। ठीक है, वो क्या करना पसंद करता है, ही वुड लाइक टू ईट विद हिज फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हिज स्टमक ऑलवेज डूइंग। उसका स्टमक हमेशा क्या करता था। हिज स्टमक इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग फॉर फूड। उसका जो पेट था वो भूख के मारे ग्रम्बलिंग करता था। ग्रम्बलिंग होता है कुछ आवाज होती है, कुछ साउंड होती है जो हमारे स्टमक में से आती है जब हम खुद भूखे होते हैं। ये सिर्फ एलिफेंट के केस में ही नहीं है, जैसे कि हम भी भूखे होते हैं तो उस टाइम हमारे पेट में एक छोटी सी आवाज होती है ऐसे। ठीक है, सुनी होगी आपने, स्टमक से आती है। ठीक है, तो वो भूख के मारे आती है। ठीक है, तो उसका जो इस पे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज हिज स्टमक ऑलवेज डूइंग। उसका पेट हमेशा क्या करता रहता है, उसका पेट हमेशा भूख के लिए ग्रम्बलिंग करता रहता है। ठीक है, हिज स्टमक इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग फॉर फूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम वेयर वुड ही लाइक टू टॉक। ठीक है, इधर क्वेश्चन में आंसर है आपका, ही वुड लाइक टू टॉक विद फीट। ठीक है, मतलब वो क्या पसंद करता है, ही लाइक टू टॉक, किस चीज के साथ वो मतलब ज्यादा पसंद करता है बात करना। तो ही वुड लाइक टू टॉक विद द फीट। ठीक है, अपनी फीट से पसंद करता है बात करना। ठीक है, उसको अपनी फीट बहुत ही पसंद थी। ठीक है, उसी से सब कुछ करना पसंद करता है वो। ठीक है, ही वुड लाइक टू टॉक विद द फीट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज कंप्लेनिंग इन दिस पोएम। इस पोएम में कौन कंप्लेन कर रहा था। बेबी एलिफेंट था हमारा, छोटा सा एलिफेंट था, वो कंप्लेन कर रहा था इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, द बिग फैट नोज ऑफ एन एलिफेंट लुक्स लाइक। अब आपको पता ही है कि जो एलिफेंट होता है उसका बिग फैट होता है, नोज होता है ना, बहुत बड़ा होता है, मोटा सा नाक होता है उसको। ठीक है, तो वो किस तरह का दिखता है, वो दिखता है ट्रम्पेट की तरह। ठीक है, ट्रम्पेट को क्या बोलते हैं, सूंड होती है ना हाथी को, ट्रम्पेट। ठीक है, बिग फैट नोज ऑफ एन एलिफेंट लुक्स लाइक अ ट्रम्पेट, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।